देन सब्सक्राइब करें चैनल ब्यूटीफुल यू को और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन आती हैं। थैंक यू। हेलो मेरे ब्यूटीफुल दोस्तों, चलिए आज घर पर ही ट्रीटमेंट कर लेते हैं आपके बालों का। ना कि सिर्फ आपके बाल झड़ जो रहे हैं उनका, बल्कि आपके बालों को अच्छी ग्रोथ देने का। ये एक होम रेमेडी है, यानी कि एक घरेलू नुस्खा है, तो टेंशन की तो कोई बात है ही नहीं, साथ में नेचुरल भी है। और हाँ, इस रेमेडी की ये खासियत है कि जितने वक्त तक आप इस रेमेडी को स्टोर करके रखोगे, ये उतनी ही असरदार होती चली जाएगी। और हाँ, हमेशा कोशिश करती हूँ आपको दुनिया भर के सारे तामझाम से छुटकारा दिलाने का और आसान रेमेडी देने का। तो चलिए रेमेडी शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ कंप्लीट वीडियो देखें लास्ट तक, और अच्छी लगेगी तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही जाने हिबिकस एंड कोकोनट ऑयल का एक बहुत अच्छा हेयर मास्क, एक आर्टिकल है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इस रेमेडी के लिए हमें चाहिए यहाँ पर सिर्फ दो चीज़ें, एक गार्लिक और दूसरा सस्पेंस, यानी कि आपको वीडियो आगे देखना होगा तो आपको पता चल जाएगा। गार्लिक को आपने लेना है, पील ऑफ करना है, और पील ऑफ करने के बाद छोटे छोटे पीसेज में कट करना है। एक बॉटल ले रही हूँ जिसमें मैं अपना ये रेमेडी या फिर ये हेयर ऑयल स्टोर करके रख सकूँ। गार्लिक यानी कि लहसुन को इतने छोटे पीसेज में कट कीजिएगा कि जिस बॉटल में आप स्टोर करने जा रहे हैं उसमें डालने में आपको कोई भी परेशानी ना हो। मैं आपको गार्लिक के फ़ायदे भी बताऊंगी और इस रेमेडी को अप्लाई करके भी बताऊंगी, तो प्लीज़ कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। हमारे लहसुन के पीसेस तो परफेक्टली कट हो गए हैं, तो चलिए हमारा ऐड करते हैं सेकंड इंग्रेडिएंट। तो आपने जिस बॉटल में स्टोर करना है उसमें अपना ऑयल ऐड करिए। मैं ले रही हूँ ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो सेकंड ऑप्शन है कोकोनट ऑयल। इन दोनों ऑयल में से आप कोई भी ऑयल ले सकते हो। मुझे ज़्यादा बेस्ट ऑलिव ऑयल लगता है, इसलिए मैंने वो लिया है। और जो हमारे लहसुन के पीसेस थे मैंने उसको उसमें स्टोर करना स्टार्ट कर दिया है। आपने भी इसी तरह से सारे पीसेस को उसमें डाल देना है अपने ऑयल में। मैंने यहाँ ऑलिव ऑयल इसलिए लिया है क्योंकि ऑलिव ऑयल और गार्लिक का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके बालों को नेचुरली मॉइस्चराइज करता है, आपके स्कैल्प में हो रहा इरिटेशन इचिंग स्कैल्प को ख़त्म करता है, डैंड्रफ फिनिश करता है, और आपके बालों का हेयर फॉल स्टॉप होगा विद इन जस्ट टू टाइम। सिर्फ आप दो बार इस्तेमाल करोगे और अपने बालों में फ़र्क देखोगे और हेयर ग्रोथ डबल ट्रिपल तेज़ी से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है, जितना लंबा टाइम आप इसको स्टोर करोगे उतना ही इस ऑयल का गुडनेस बढ़ता चला जाएगा। इसको लगाने का तरीका भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। नॉर्मल जैसे हम बाकी के ऑयल यूज़ करते हैं वैसे ही हमें इसे अपने बालों में अपने जड़ों पर लगाना है, हल्के हाथों से मसाज करना है जिससे कि सारा ऑयल आपके बालों की जड़ों में अच्छे से चला जाए। चलिए अभी बात करते हैं गार्लिक के फ़ायदे आपके बालों के लिए, क्योंकि कुछ लोगों को डाउट हो जाता है कि फ़ायदेमंद है भी या नहीं, तो आप अपनी आँखों से देख सकते हैं। गार्लिक में एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके बालों से जर्म और बैक्टीरिया को दूर करके आपके बालों में हो रहा हेयर फॉल दूर कर आपके बालों के ग्रोथ को डबल ट्रिपल तेज़ी से बढ़ाता है। तो आप कुछ चीज़ों को बिलीव कर सकते हो। आसान रेमेडी इसका मतलब ये नहीं कि वो वर्क नहीं करेगी, 110% वर्क करेगी। जैसे कि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ आपके साथ आसान रेमेडी लाने की। मसाज करने के बाद एक रात कम से कम छोड़िए और नेक्स्ट डे शैम्पू करिए अच्छे रिजल्ट के लिए। आई होप सभी लड़कियों के लिए ये फ़ायदेमंद हो। अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। आगे चैनल पर नई वीडियोज़ चेक करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।